आज जिस डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जो ह्यूमन डिजीज, एक डेडली डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे, फैटल है डिजीज है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एड्स। सबसे पहले तो देखते हैं इस एड्स की फुल फॉर्म क्या है। ए स्टैंड फॉर एक्वायर्ड, ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी एंड एस फॉर सिंड्रोम। तो एड्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसको हम एक्वायर्ड क्यों कहते हैं, असल में एक्वायर्ड, हम इसको एक्वायर्ड का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे अंदर नहीं है, जो हमें जेनेटिकली नहीं मिला, जो हमने बाहर से जो है वो क्या है लिया हुआ है। यानी ये आपके पास कोई एड्स की बीमारी पैदाइशी नहीं होती, कोई जेनेटिकली पेरेंट्स की तरफ से नहीं आई है, इसको आप एक्वायर करते हो यानी हासिल करते हो अपने लाइफ के दौरान, बाहर से एक्वायर करते हो। किस किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं हम इसको, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसको क्या करते हैं, ये जेनेटिकल नहीं होती, ये क्या होती है, ये एक्वायर होती है। और कब एक्वायर कर सकते हैं, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, अपनी जिंदगी में कभी भी आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसको मैं आपको बताऊंगा। और इम्यूनो डेफिशिएंसी इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये वीक कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, पुअर कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इस वजह से इसको कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी आपका इम्यून सिस्टम इस बीमारी में वीक हो जाता है, तो इसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी कह रहे हैं। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, हैव मैनी सिम्टम्स, और इस बीमारी में बहुत सारी इसकी अलामत होती हैं। जब बहुत सारी अलामत होती हैं, जब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सिंड्रोम कहते हैं। तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब मैंने आपको बताया कि ये कोई पैदाइशी आपके पास नहीं होता, ये आप इवन के ये इंसानों का वायरस भी नहीं था, इंसानों ने एक्वायर किसी एनिमल से किया है, कैसे किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक्वायर्ड होता है, आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है, आप इसको एक्वायर करते हो। और अमीनो डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, ये इसका जो वायरस होता है एड्स का, वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, तो इस वजह से डेफिशिएंसी आपके इम्यून सिस्टम में आ जाती है। तो ये आप इम्यून सिस्टम किसको कहते हैं, अपने मुदाफ़ती निज़ाम जो हमारा होता है। मुदाफ़ती निज़ाम मतलब क्या होता है, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे जर्म्स हैं, अब वो जर्म्स जो हैं वो आपका इम्यून सिस्टम उन जर्म्स से फाइट करता है। आप एक गिलास पानी पीते हो तो पता नहीं कितने जर्म्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी आप बीमार तो नहीं होते हो एक गिलास पानी पीने से, क्योंकि आपके पास क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है आपको जो है वो इन जर्म से। लेकिन ये जो एड्स का वायरस होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, तो इस वजह से इसको इम्यून डेफिशिएंसी कह रहे हैं। और एड्स की जो बीमारी है उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, और जब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं तो इसके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंड्रोम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एड्स का वायरस एड्स कास करता है, एड्स किस चीज से कास होता है, एड्स का वायरस किस पर अटैक करता है, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स पर अटैक करता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, एड्स की हिस्ट्री देख लेते हैं, ये हिस्ट्री एड्स की क्या है। तो अगर एड्स की हिस्ट्री की बात करें, तो एड्स की हिस्ट्री के हवाले से क्या था कि अफ्रीका है ना, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसके वेस्ट के अंदर एक कंट्री है, कॉन्गो कहते हैं, ये एक कंट्री है, ये कॉन्गो जो है वो एक कंट्री है अफ्रीका के वेस्ट में। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो है वो किसका शिकार किया, कुछ लोगों ने, हंटर थे, शिकारी थे, और उन्होंने किसका शिकार शुरू किया, उन्होंने चिंपैंजी का शिकार किया, उनका चिंपैंजी का गोश्त खाने का दिल चाह रहा होगा, तो उन्होंने कहा चिंपैंजी का जो है वो शिकार करते हैं। तो 1920 में क्या किया, इन्होंने चिंपैंजी का जो है वो की हंटिंग की। अब चिंपैंजी की जब हंटिंग की तो उन्होंने तीर मारे होंगे उसको, और इस तरह से उसको काबू करने की कोशिश की होगी, तो वो खून में लहूलहान हो गए होंगे, वो खुद भी खून में चिंपैंजी जो है वो लहूलहान हो गए। तो एक चिंपैंजी ने क्या किया कि वो किसी एक आदमी को जो है वो बाइट कर लिया, उसको खाया, उसको बाइट किया। जब उसको बाइट किया तो उस दौरान क्या हुआ कि किसी तरीके से चिंपैंजी का ब्लड और उस ह्यूमन का ब्लड आपस में मिल गया, और चिंपैंजी से जो है ये एड्स का वायरस जो है वो किसमें ट्रांसफर हो गया, एड्स का वायरस जो है वो इंसान में ट्रांसफर हो गया। तो इंसान में जो वायरस आया है ना, इसका क्या कहते हैं, एड्स का, तो वो कहां से आया, वो आया है चिंपैंजी से।
चिंपेंजी की बॉडी में या मंकीज की बॉडी में ये वायरस मौजूद होता है, लेकिन उनको कोई नुकसान पहुंचाता नहीं है, हमारी बॉडी में जाकर जो है ये हमें हार्मफुल होता है हमारे लिए। अब क्या होता है कि ये जब इसने इंसान चिंपैंजी ने इंसान को बाइट किया, तो चिंपैंजी का और ह्यूमन का ब्लड किसी तरीके से कांटेक्ट में आ गया और चिंपैंजी के ब्लड से जो है ये वायरस जो है वो किसमें ट्रांसफर हो गया, वो ट्रांसफर हो गया किसके अंदर, वो ट्रांसफर हो गया इंसानों के अंदर। अब ह्यूमन में जब ये ट्रांसफर हो गया तो आपको पता है अफ्रीका के अंदर तो इतनी ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस है नहीं, लोगों को शायद एड्स आगे ट्रांसफर भी हो रहा होगा, मर भी रहे होंगे, पता ही नहीं लग रहा था। फिर क्या हुआ 1980s का दौर था जब अमेरिका के अंदर कुछ मेल थे, कुछ पेशेंट आए हॉस्पिटल के अंदर और उन्होंने देखा कि वो पेशेंट जो थे उनका इम्यून सिस्टम बहुत, उनको कुछ ऐसी बीमारियां हो गई थी जो किसकी वजह से होती हैं, इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से होती हैं। तो उन्होंने देखा कि इनका आहिस्ता आहिस्ता इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, सारी वो बीमारियां उस वजह से जिस जो इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से होती हैं। तो उन्होंने फिर उनके ब्लड से जो है वो एक वायरस निकल, उस वक्त उनके ब्लड से जो है वो काफी टाइम उसके थोड़े अरसे के बाद वो पता लगा कि उनके ब्लड के अंदर एक वायरस है जो उनके इम्यून सेल्स पर, जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स क्या होते हैं, WBCs हो गए हमारे, हमारे टी सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए, ये हमारे WBCs की टाइप है, कुछ मैक्रोफेज हो गए, ये सब क्या है, ये सब हमारे इम्यून सेल्स हैं और ये वायरस क्या करता है हमारे इम्यून सेल्स पर अटैक कर देता है। तो 1980s में जो है वो इस वायरस के बारे में जो है वो पता लगा। फिर तो काफी और भी रिसर्च हुई इस वायरस के बारे में, आपकी बुक में हिस्ट्री नहीं दी हुई है लेकिन मैंने थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री यहाँ पर बता दी। अब हम उन टॉपिक उस तरफ जाते हैं जो आपकी बुक में चीजों को डिटेल में डिस्कस किया गया है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और क्यों एक्वायर्ड कहा जा रहा है, क्यों अमीनो डेफिशिएंसी कहा जा रहा है, क्यों सिंड्रोम कहा जा रहा है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं, एड्स काज किसकी वजह से होता है, एड्स के बारे में अगर हम बात करें तो एड्स का कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है, ये किसकी वजह से एड्स होता है। तो एड्स जिस वायरस की वजह से होता है उसको हम कहते हैं HIV, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम पर जो है वो क्या करता है, अटैक करता है। इम्यून सिस्टम हमारे जो टी सेल्स होते हैं, हमारे जो बी सेल्स होते हैं, ये बेसिकली क्या है, हमारे ये इम्यून सेल्स हैं। अच्छा, इम्यून सेल्स के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो एड्स होता है वो किसकी वजह से होता है, एड्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, एड्स का कॉजेटिव एजेंट है HIV और HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब थोड़ी सी पहले ये किस पर अटैक करता है, कैसे अटैक करता है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, HIV वायरस की जो है वो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस के पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि HIV वायरस के कौन कौन से जो है वो पार्ट्स होते हैं या इसके स्ट्रक्चर में जो है वो क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले तो देखें जो HIV वायरस है ये कौन सा वाला वायरस है, ये एनवेलप वायरस है, ये है एनवेलप वायरस। हमें पता है कि वायरस के ऊपर कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके प्रोटीन कोट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन कोट के ऊपर एक लिपोप्रोटीन की एक मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एनवेलप। तो इन वायरस को अगर हम सबसे आउटर साइड पर देखें तो इन वायरस में भी क्या होती है, इन वायरस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, उसको हम एनवेलप कह रहे हैं, और ऐसे वायरस जिनमें एनवेलप होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको बेसिकली हम कहते हैं एनवेलप वायरस। अच्छा, एनवेलप का काम क्या होता है, एनवेलप जो है वो इसको अटैच होने में हेल्प करते हैं होस्ट सेल के साथ, यानी जिस सेल पर ये अटैक करता है, ये ज्यादातर टी सेल्स पे या हमारी जो इम्यून सेल्स हैं, दो किस्म के इम्यून सेल्स होते हैं जिन पर ये ज्यादातर अटैक करता है, एक मैक्रोफेज और एक टी सेल्स, आगे आपको बताऊंगा मैक्रोफेज और टी सेल्स क्या होते हैं। लेकिन ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की जो एनवेलप है, इस एनवेलप पर लगे हुए होते हैं इस तरह के ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो मैं बना रहा हूँ ना ये स्ट्रक्चर ये रेड कलर में, ये क्या है, ये है ग्लाइकोप्रोटीन। इसकी स्ट्रक्चर इतनी डिटेल में ग्लाइकोप्रोटीन की दी हुई तो नहीं है, लेकिन चलें बता देता हूँ कि ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, ये लगे हुए हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ये इसको अपने होस्ट सेल के साथ अटैच होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे होस्ट सेल के साथ अटैच होता है इसको भी आपको आगे बताता हूँ।
तो ये देखें, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि मेम्ब्रेन के नीचे इसका होगा एक प्रोटीन कोट, ये हो गया एक प्रोटीन कोट, मेम्ब्रेन के नीचे प्रोटीन कोट होगा जिसको कैप्सिड कहते हैं ना, कैप्सोमेयर से बना हुआ होता है, वायरस की स्ट्रक्चर में हमने बात की थी। और इसके ऊपर दो किस्म के प्रोटीन कोट होते हैं, एक प्रोटीन कोट ये सरफेस प्रोटीन, ये तो ऊपर की तरफ हो गया, और एक अंदर भी प्रोटीन होता है, ये एक अंदर भी प्रोटीन के दो कोट हो गए, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ये देखें जो मैं ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक जो है ये क्या है, ये प्रोटीन कोट है, दो किस्म के प्रोटीन कोट हो गए, एक बाहर की तरफ और एक प्रोटीन कोट कौन सा है, ये अंदर की तरफ। तो इसमें एनवलप के बाद क्या होगा, ये प्रोटीन हो गया। अच्छा, प्रोटीन के अलावा इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है, इसके जीनोम जिसको आप कहेंगे, तो वो क्या है, वो इसका जो है वो आरएनए है। ये कौन सा वाला वायरस है, ये आरएनए वायरस है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये कौन सा वायरस हो गया, ये हो गया आरएनए वायरस। अच्छा, इसके पास आरएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं, तो आप यहाँ पर देखें, मैंने जो ब्राउन कलर में बताया आरएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं, इसके पास टू स्ट्रैंड होते हैं आरएनए की, दो डोरियां होती हैं, टू स्ट्रैंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो स्ट्रैंड होगा, एक ये हो गया और एक ये दूसरा हो गया। फिर एक और चीज आपकी बुक में लिखी हुई है आरएनए के बारे में, दे आर आइडेंटिकल नॉट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब इसका थोड़ा सा मतलब आपको समझा दूं, इसका मतलब क्या है, बुक में जो लिखा हुआ है, दे आर आइडेंटिकल बट नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। अब इधर देखें, ये आरएनए, चले मैं इधर बाहर इधर बना देता हूँ, ये आरएनए थोड़े से बाहर निकाल देता हूँ इन आरएनए को दोनों, ये एक आरएनए हो गया और ये दूसरा आरएनए हो गया। अभी आपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, लेकिन सेकंड चैप्टर के लास्ट के अंदर आप पढ़ोगे, जिससे प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो आरएनए और डीएनए किससे मिलकर बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। और फोर टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ये चार न्यूक्लियोटाइड मिलकर डिफरेंट अरेंजमेंट से कंबाइन होकर जो है वो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं डीएनए और आरएनए। ये देखें, अब मिसाल के तौर पे ये जो आरएनए है, इसमें क्या है, एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और एडेनिन है। और ये दूसरा वाला जो आरएनए है, इसमें भी क्या है, इसमें भी एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और एडेनिन है। दोनों आइडेंटिकल है ना, देखो दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, इसके यहाँ भी एडेनिन है, इसके यहाँ भी एडेनिन है, इसके यहाँ भी थायमिन है, इसके यहाँ भी थायमिन है, यहाँ ग्वानिन है, इसके यहाँ भी ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ एडेनिन है, यहाँ एडेनिन है। यानी दोनों क्या है, दोनों आइडेंटिकल है। ये दोनों क्या हो गए, दोनों आरएनए के स्ट्रैंड जो है वो आइडेंटिकल है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अब मिसाल के तौर पे दो आरएनए के स्ट्रैंड अगर ऐसे होते हैं कि यहाँ ये दो आरएनए के स्ट्रैंड है, इस आरएनए के स्ट्रैंड में अगर यहाँ एडेनिन होता तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है थायमिन, यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ थायमिन होता, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ क्या होता है, साइटोसिन होता, और इसी यहाँ थायमिन है, सॉरी यहाँ पर अगर थायमिन है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एडेनिन होता, फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ग्वानिन होता तो यहाँ साइटोसिन होता, यहाँ साइटोसिन होता तो यहाँ ग्वानिन होता, यहाँ एडेनिन होता तो यहाँ थायमिन होता, क्योंकि ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन है, और थायमिन और एडेनिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब अगर इस तरह से अरेंजमेंट होती तो इस ये दो डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो क्या कहलाते, ये कहलाते कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब कह रहा है कि जो दो डीएनए के स्ट्रैंड इसमें होते हैं, ये डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, जबकि ये कैसे होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं, यानी दोनों में न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट बिल्कुल
सेम होती है। फिर एक और चीज इस वायरस के पास होती है, इस वायरस के पास एक खास किस्म का एंजाइम होता है जिसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो मैं बना रहा हूँ ये कौन सा वाला एंजाइम है जो पिंक में शो कर रहा हूँ, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। क्योंकि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है तो ऐसे वायरस जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उन वायरस को हम कहते हैं रेट्रो वायरस। पहले बता चुका हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम क्या करता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। इसको आगे मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो एड्स का वायरस है ये कैसा है, ये रेट्रो वायरस है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी का जो वायरस होता है उसकी हमने स्ट्रक्चर की बात करी। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमने बात की कि इसके आउटर साइड पर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम एनवेलप कह रहे हैं, और ये क्या है, ये वायरल एनवेलप है। और वायरल एनवेलप पर लगे हुए होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये रेड कलर के क्या लगे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि उसको होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर ये इसके प्रोटीन के कोट हो गए, दो प्रोटीन कोट होते हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसके बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो आरएनए होता है। तो ये आरएनए वायरस है। और इसके आरएनए कैसे होते हैं, दो आरएनए इसके पास होते हैं, दोनों आरएनए आइडेंटिकल होते हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। और इनके पास एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये आरएनए को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी एचआईवी वायरस की, अब हम देखते हैं कि एचआईवी वायरस जो है वो साइट ऑफ अटैक क्या है, ये किसके ऊपर अटैक करता है, हमारी बॉडी के कौन से सेल पर जो है ये अटैक करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका साइट ऑफ अटैक क्या है, कहां पर ये अटैक करता है। एचआईवी की बात कर रहे हैं कि एचआईवी का वायरस अटैक कहां पर करता है, तो ये अटैक करता है हमारे इम्यून सेल्स पर। और भी कुछ सेल्स हैं लेकिन मैं इन दो ही सेल्स के बारे में बात करूंगा, इम्यून सेल्स। एक तो टी हेल्पर सेल और दूसरे होते हैं मैक्रोफेज। ये हमारे इम्यून सेल्स हैं, एक तरीके की WBCs हैं। कौन से वाले सेल्स के, हमारे कौन से ब्लड सेल्स के ग्रुप में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं बेसिकली WBCs पर। व्हाइट ब्लड कॉर्पल सेल्स की डिफरेंट टाइप होती हैं, और उस टाइप के अंदर जो है वो कौन सी टाइप पर ये अटैक करता है, एक तो ये टी हेल्पर सेल्स पर अटैक करता है और दूसरे कौन से WBCs पर अटैक करता है, ये अटैक करता है मैक्रोफेज पर जो है वो अटैक करता है। इनको हम T4 सेल्स भी कह सकते हैं, टी हेल्पर सेल्स के लिए एक और लफ्ज यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, T4 सेल भी कह सकते हैं। अब बात ये हो रही है कि ये T4 सेल और मैक्रोफेज सेल पर ही क्यों अटैक करता है, किसी दूसरे सेल पर अटैक क्यों नहीं करता। असल में क्या होता है कि जो हमारे T4 सेल्स होते हैं या जो मैक्रोफेज हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये आपके पास है, ये है T4 सेल, एक WBCs को मैं कह रहा हूँ T4 सेल्स। अब इस T4 सेल के ऊपर ये रिसेप्टर्स होते हैं, चलिए इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ इस रिसेप्टर को। ये रिसेप्टर होते हैं T4 सेल पर, इस तरह के रिसेप्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर। अब क्या होता है, ये जो CD4 रिसेप्टर हैं, एक तो T4 सेल पर होते हैं और इसी तरीके से ये मैक्रोफेज पर भी होते हैं। अब क्या होता है कि जब एड्स का वायरस आपके ब्लड में एंटर हो गया, ये एड्स का वायरस, फॉर एग्जांपल ये आप एड्स का वायरस है, ये आपके ब्लड में एंटर हो गया। अब क्या होता है कि ये जो एड्स का वायरस है और इसके चारों तरफ ये जो एनवेलप है, वायरल एनवेलप है, इस वायरल एनवेलप पर जो लगे हुए होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, इस तरह के होते हैं ना ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो लगे हुए होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन जाकर अटैच हो जाते हैं किसके साथ, इस रिसेप्टर के साथ, और इस वायरस को किसके साथ अटैच कर देते हैं, इस सेल के साथ। वो फिर बकायदा एक कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस होता है और उसके जरिए ये वायरस फिर यहीं से मूव करता हुआ कहां दाखिल हो जाता है, ये वायरस दाखिल हो जाता है किसमें, हमारे T4 सेल्स में दाखिल हो जाता है। और असल में वायरस के प्रोटीन काम नहीं करते, फिर वायरस का जो कौन काम करता है, आरएनए,
बॉडी के सेल्स में दाखिल होकर कौन काम करता है, फिर काम करता है आपके आपका जो ये सॉरी वायरस का जो आरएनए है ये काम करता है। दो आरएनए होते हैं, दो आरएनए इस वजह से होते हैं, अगर एक ना काम करे तो उसकी जगह दूसरा तो काम करेगा। अब ये आरएनए करता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाता हूँ। अब देखो ये आपका T4 सेल है, ये चले हमको देख लेते, कोई मैक्रोफेज है, ये क्या है हमारा, ये T4 सेल है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें दाखिल हो गया ये आपका HIV वायरस का DRNA दाखिल हो गया। ये क्या दाखिल हो गया, RNA। अब ये RNA क्या करेगा, अब इसने RNA ने जाकर किसके साथ अटैच हो जाना है, इस RNA ने जाकर अटैच हो जाना है हमारे सेल्स के DNA के साथ। लेकिन ये RNA डायरेक्ट जाकर DNA के साथ अटैच नहीं होगा, क्योंकि DNA तो इसको अटैच ही नहीं होने देगा, DNA तो DNA को ही अटैच करेगा, इसको तो अटैच नहीं करेगा ना। तो अब ये RNA क्या करता है, ये वायरस जो है इसका RNA पहले क्या करेगा, इसका RNA पहले DNA बना लेगा, इसका RNA पहले क्या बना देगा, इसके RNA से जो है वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसके RNA से पहले बनेगा DNA, सही है। और RNA से DNA बनाने का काम जो एंजाइम करेगा वो कौन सा वाला एंजाइम करेगा, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसको अपने साथ लेकर आया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, ये रिवर्स प्रोसेस करता है, उल्टा प्रोसेस, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बनते हैं, लेकिन ये एक रिएक्शन को उल्टा कर देता है, ये आरएनए से क्या बना देता है, डीएनए बना देता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब जब ये डीएनए बन जाता है तो ये डीएनए जाकर अटैच हो जाता है किसके साथ, ये डीएनए जाकर हमारे डीएनए के साथ जाकर क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाता है। अब ये डीएनए हमारे डीएनए के साथ जाकर अटैच हो गया और इसका जो आरएनए ये सब क्या हो गया, अब ये खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो वायरस का डीएनए हमारे डीएनए के साथ जाकर अटैच हो गया, अब ये वायरस का डीएनए क्या करेगा, अब वायरस का डीएनए जो है ये वायरस का डीएनए, अब ये क्या करेगा, ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा। दो तरह के मैसेंजर आरएनए बनाएगा, एक तो जीनोमिक मैसेंजर आरएनए, वो मैसेंजर आरएनए जो वायरस के अंदर थे, जो वायरस ने किसमें, ये अलावा इसका आरएनए, जीनोमिक आरएनए, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे जीनोमिक आरएनए, मैसेंजर आरएनए बस जीनोमिक आरएनए इनको कहेंगे। और दूसरा ये क्या बनाएगा, दूसरा ये बनाएगा मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए राइबोसोम को मैसेज देंगे प्रोटीन बनाओ। ये मैसेंजर आरएनए किसको मैसेज देंगे, राइबोसोम को देंगे मैसेज प्रोटीन बनाओ, लेकिन प्रोटीन कौन सा वाला बनाओ, वायरस का प्रोटीन बनाओ। और ये क्या बना कर देगा, ये बना कर देगा वायरस का प्रोटीन। दो तरह का प्रोटीन, एक अंदर की तरफ और एक बाहर, वायरस का क्या बन जाएगा, ये वायरस का प्रोटीन बन जाएगा। और इस वायरस के प्रोटीन में ये वायरस के जो आरएनए वो भी दाखिल हो जाएंगे। तो अब देखें ये क्या बन गया, एक नया वायरस बन गया। इस तरह बहुत सारे जो हैं ये वायरस बन जाते हैं किसके अंदर, इस T4 सेल या मैक्रोफेज के अंदर, ये क्या हो गया, बहुत सारे T4 सेल कह लें या मैक्रोफेज में स्पेशली ज्यादा बनते हैं, तो मैक्रोफेज सेल में ये बहुत सारे क्या बन गया, ये HIV के वायरस बन गए। अब क्या होगा, ये जब HIV के वायरस बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते वक्त क्या करेंगे, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन से अपने आप को कवर कर लेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन से अपने आप को कवर कर लेंगे, और यही सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या बनाएगी, वो वायरल एनवलप होगी। वायरल एनवलप कोई अलहदा से नहीं होते, वायरल एनवलप इन्हीं की सेल मेम्ब्रेन होती है जिस पर ये ग्लाइकोप्रोटीन बाद में डेवलप कर लेते हैं इस तरह से। तो ये जैसे जैसे बाहर निकलेंगे सबके ऊपर ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को भी अपने ऊपर चढ़ाकर बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ मैंने टोटल आपके तरीके से क्या किया है, पूरी साइकिल ही डिस्कस कर दी। यहाँ पर आपकी बुक में है तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके लिहाज से मैंने आपको जो है ना ये साइकिल इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी है। तो बात मेरे यहाँ पर हम चल रहे थे, आपकी बुक में तो सिर्फ इतना सी बात है, ये भी याद रख लेंगे तो काफी होता है कि साइट ऑफ अटैक क्या है, यानी ये HIV वायरस किस पर अटैक करते हैं, एक तो हमारे T4 सेल पर अटैक करते हैं और एक मैक्रोफेज पर। आपको पता है जो भी कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, जो दूसरे जर्म्स दाखिल होते हैं, वो तो डरते रहते हैं T4 सेल और मैक्रोफेज से, क्योंकि ये तो हमारे जो है वो हिफाजत करते हैं ना, ये तो हमारे एक तरीके से। तो क्या होता है कि T4 सेल से तो जितने भी जर्म्स होते हैं वो डरते हैं, लेकिन वायरस इतने स्मार्ट होते हैं कि ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट जाकर अटैक ही आपके इन जर्म, इन T4 सेल और मैक्रोफेज पर अटैक कर देते हैं।
जिससे दूसरे सेल जो है डर रहे होते हैं। और जब आपका T4 सेल और ये जो मैक्रोफेज होते हैं, मैक्रोफेज अपनी जगह पर, लेकिन T4 सेल या जिनको हम हेल्पर सेल कह रहे हैं, T4 हेल्पर सेल, इनका काम क्या होता है, ये आपके पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये एक्टिव रखते हैं। जितने भी WBCs है ना, जितने भी एक तरीके से ये कमांड कर रहे हैं आपके पूरे इम्यून सिस्टम को, आपका पूरा पूरा इम्यून सिस्टम इन्हीं की वजह से एक्टिव रहता है। और ये क्या करते हैं वायरस, ये T4 सेल को ही खत्म कर देते हैं। जब T4 सेल खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल वीक हो गया। अब जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होते हैं, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी सराउंडिंग में बहुत सारे टीबी के बैक्टीरिया मौजूद हैं, मगर मुझे तो टीबी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो टीबी के बैक्टीरिया को अंदर दाखिल होकर मुझे टीबी नहीं होने दे रहा। या मेरे सराउंडिंग के अंदर जो है वो नमूनिया के जो है वो बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन मुझे नमूनिया नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो जो नमूनिया है उसके सेल्स को जो है वो, या उसके बैक्टीरिया को है बॉडी में दाखिल होकर जो है वो काम करने नहीं दे रहे। लेकिन क्या होता है, ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं, ये अपॉर्चुनिटी, यानी ये अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, ये मौके की तलाश में होते हैं। जैसे ही मेरा इम्यून सिस्टम अगर वीक हो गया तो ये तो फौरन ही मेरी बॉडी पर अटैक करेंगे और मेरी बॉडी पर जो है वो क्या कहना, मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस काज करना शुरू कर देंगे। तो ये था थोड़ा सा जो है वो एड्स का, हमने साइट ऑफ अटैक देखा कि एड्स जो है वो HIV वायरस कहाँ पर जो है वो अटैक करता है। अच्छा, थोड़ी सी बात एक ये भी कर लेते हैं कि एड्स जो है वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं अगर यहां पर इसको एडिंग दे देता हूं, ट्रांसमिशन। देखो, एड्स का वायरस जो होता है वो ज्यादातर होता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स में। कहां होता है ये एड्स का वायरस, ये होता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स में। अब कौन कौन से जो दो बॉडी फ्लूइड्स हैं जिनमें ये होता है, एक तो ब्लड में होता है, एक तो ब्लड में ज्यादा अच्छे से सर्वाइव करता है ये, और दूसरा कहाँ पर सर्वाइव करता है, ये सर्वाइव करता है मेल और फीमेल के सेक्सुअल फ्लूड में। सेक्सुअल फ्लूड, मेल का जो सेक्सुअल फ्लूड होता है उसको हम कहते हैं सीमेन। सीमेन किसका सेक्सुअल फ्लूड है, मेल का सेक्सुअल फ्लूड है, ये मैं मेल का साइन शो कर रहा हूँ। और जो फीमेल का जो सेक्सुअल फ्लूड है वो वेजाइनल फ्लूड जो होता है, ये फीमेल का साइन शो कर दिया। तो इन फ्लूड के अंदर एड्स का वायरस होता है, और एड्स का वायरस ब्लड में भी होता है। हमारा स्लाइवा भी है, स्लाइवा भी एक बॉडी का फ्लूड है, लेकिन स्लाइवा के अंदर या थूक के अंदर एड्स का वायरस नहीं होता, क्योंकि थूक की केमिकल कंपोजिशन कुछ इस तरह की है कि इसमें एड्स का वायरस जो है वो सर्वाइव कर ही नहीं पाता। होता भी है तो इतना कम होता है कि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में इन दो बॉडी फ्लूड के अंदर ये एड्स का वायरस मौजूद होता है। अब ये देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है, अगर इस पर्सन को एड्स है, अगर इसके पास एड्स इसको हो गया है, तो एड्स का वायरस कहाँ पर मौजूद है, एड्स का वायरस मौजूद है इस पर्सन के, एक तो एड्स का वायरस, फॉर एग्जांपल ये रेड एड्स के वायरस है, एक तो एड्स का वायरस इसके ब्लड में है। ये क्या आ गया, इसके ब्लड के अंदर एड्स का वायरस है, और इसका जो सीमन है, सेक्सुअल फ्लूइड है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एड्स का वायरस मौजूद है। दूसरी तरफ अब ये है एक हेल्दी पर्सन, ये पर्सन एक हेल्दी पर्सन है, और इसके पास एड्स का वायरस मौजूद नहीं है। ये क्या है, ये हेल्दी पर्सन है, इसके पास एड्स का वायरस मौजूद नहीं, ये इन्फेक्टेड है और ये हेल्दी है। अब कैसे एड्स का वायरस इस इन्फेक्टेड से हेल्दी में चला जाएगा, कैसे इससे इसमें वायरस ट्रांसफर होगा, तो इसकी हम अब यहाँ पर ट्रांसमिशन देख रहे हैं कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। दो तरीकों से ज्यादातर होती है। सबसे पहले तो है इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एक तो तरीका यह है इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब इट पासिस फ्रॉम इन्फेक्टेड पार्टनर टू हिज और हर अनइन्फेक्टेड या हेल्दी पार्टनर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यानी ये एक इन्फेक्टेड है, अगर ये इन्फेक्टेड है, अगर ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट रखता है इसके साथ, तो ये अपना वायरस इसके अंदर क्या कर देगा, इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यहाँ पर अगर सिंपल सी बात करूं तो इनमोरल आप कह सकते हो, या हाई रिस्क पर वो होते हैं विच दोज पर्सन हू हैव मोर देन
मोर देन वन सेक्स पार्टनर, यानी एक से ज्यादा जिनके सेक्स पार्टनर होते हैं, तो उनके वो उनको ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि वो कई लोगों के कांटेक्ट में होते हैं ना। जैसे आजकल कोरोना के बारे में कहा जाता है, कोरोना कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, पर मसला ये होता है कि जितने ज्यादा आप लोगों के कांटेक्ट में आओगे उतना ज्यादा जो है वो क्या होगा, आपको कोरोना ट्रांसफर हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, आप सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में जितने ज्यादा लोगों के आओगे तो हो सकता है किसी पर्सन को एड्स हो, तो वो एड्स जो है वो आपकी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाए। तो इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट या जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जिनका हमारी रिलीजन इजाजत नहीं देता, यहाँ सिंपली मैं ऐसे ही कह देता हूँ, जिसका हमारा रिलीजन इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, वो इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है और उसके साथ क्या हो सकता है, उसके उससे जो है वो एड्स जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, दूसरा एड्स के ट्रांसफर होने का जो तरीका है वो क्या है, वो है इन्फेक्टेड ब्लड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, यानी इन्फेक्टेड ये इसका ब्लड किसी तरीके से इस बंदे के ब्लड में चला जाए। अब कैसे इस बंदे का ब्लड जो है वो इस बंदे के ब्लड में जा सकता है, ये इस बंदे का ब्लड इस बंदे के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए, ये इन्फेक्टेड ब्लड है ना, ये इन्फेक्टेड ब्लड ये इस पर अनइन्फेक्टेड बंदे के कॉन्टेक्ट में आ जाए। अब कॉन्टेक्ट में आ कैसे सकता है, एक तो आ सकता है ये अनस्टरलाइज needles and syringes या razor। अब देखें, इस बंदे ने needle को इस्तेमाल की, injection लगवाया, needle थी या syringe को इस्तेमाल की, injection लगा दिया, ये injection लग गया है इसको। अब इस बंदे ने sterilized syringe इस्तेमाल की, unsterilized जो है वो इसने sterilized syringe इस्तेमाल नहीं की, यानी sterilized का मतलब नई syringe, यूज की हुई सिरिंज इस्तेमाल कर ली। अब यूज की हुई सिरिंज क्या है, ये अनस्टरलाइज सिरिंज है। अब यही सिरिंज जो जब इस बंदे को लग गया, इसी से इंजेक्शन इस बंदे ने लगा दिया, तो क्या हुआ, इसके पास जो एड्स के वायरस थे वो इन नीडल के साथ लगकर इसमें जो है वो क्या हो गए, इसमें ट्रांसफर हो गए। एक तो इस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं। अक्सर जो ड्रग्स यूज करते हैं ना वो रिस्क पर ज्यादा होते हैं, जो ड्रग यूज करते हैं, नशा करते हैं, वो इंजेक्शन के जरिए जो नशा करते हैं उनको तो पता ही कुछ नहीं होता, एक इंजेक्शन एक बंदे ने लगाया है, वो इंजेक्शन दूसरा लगा लेता है, वही इंजेक्शन तीसरा लगा लेता है, तो क्या होता है, इस तरीके से वो एड्स फिर जो है वो क्या हो सकता है, वो ट्रांसफर हो सकता है एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि इसके जरिए भी ट्रांसफर, फिर इसके अलावा एक और भी तरीका होता है जो ब्लड ट्रांसफर हो सकता है एक बंदे से दूसरे बंदे में, वो होते हैं वुंड्स के जरिए भी हो सकता है। जैसे इस बंदे को यहाँ पर एक जख्म लग गया, यहाँ से खून निकल रहा है, इसको भी जख्म लग गया, अब इन दोनों के जख्म आपस में मिल गए, वुंड्स जख्म यानी इनके जहां पर इंजर्ड हो गया था, इसकी स्किन भी यहाँ से इंजर्ड हो गई, ये भी वुंड्स है, जख्म आपस में मिल गए, तो जख्मों के मिलने से भी जो है वो क्या होगा, एड्स ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इधर भी जख्म होगा तो इधर भी जख्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसको जख्म हो और इसको जख्म ना हो तो ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों का ब्लड मिलेगा इस जख्म के जरिए तो भी क्या होगा, ये एड्स जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा जो एड्स ट्रांसफर हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये बंदा इसका एक्सीडेंट हो गया कुछ भी, तो इसका बहुत ज्यादा खून जाया हो गया, इसको खून की जरूरत पड़ी, अब इस बंदे का खून इसको ट्रांसफर कर दिया गया बगैर चेक किए हुए, बगैर खून के ब्लड की स्क्रीन किए बगैर, बगैर चेक किए हुए ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे भी एड्स ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसफर हो सकता है, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब क्या होता है कि बार दफा प्रेगनेंसी के दौरान, यहां चले बना देते हैं कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो यहाँ पर आप देखें अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है, ये मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये प्रेग्नेंट फीमेल का बेबी है, उसकी बेली में, उसके वूम में उसका ये बेबी है, और मदर और बेली का दरमियान में जो एक कनेक्शन होता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा, ये जो जगह होती है, देखें इस जगह को, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं प्लेसेंटा, ये बेबी है, फीटस है, इसको फीटस कहते हैं, बेबी को अंदर है जो इसकी एक प्लेसेंटा है। अब क्या होता है कि अगर मदर को एड्स है, मदर को एड्स है, तो ये एड्स का वायरस इस प्लेसेंटा से होता हुआ
इस बेबी में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ये जो है वो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसफर हो जाता है, और किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, थ्रू प्लेसेंटा।